बैठे हैं अभी धूप में संबत दिन में गिर जाए तो चलो यार पर क्लियर हो रही है हमारी कैमरा राइड हो रही है देखो ये देखो फाइनली मौका मिल गया बाहर निकालो हाथ बैठ गए आग जल रही थी आग को देख के बैठ गए तो सोचा कुछ खा ही लेते हैं अभी हम हैं जिम कॉर्बेट में अंदर ही हैं अभी सो गए उठे हैं रात को फोन फायर वगैरह से थोड़ा लेट हो गए थे डांस वांस भी किया था अभी और अभी जा रहे हैं चाय पीने पहले तो पहले चाय पीएंगे गुड मॉर्निंग गाइस अब हम पहले उठे हैं यहाँ तो धूप आ गई है वहाँ तो धूप भी नहीं है कई दिनों से दिल्ली में अभी हम चाय पीने जा रहे हैं सबसे पहले तो गाइस देखिए ब्रेकफास्ट लग चुका है सब लोग कर रहे हैं लेकिन अभी हम जस्ट चाय पीने आए हैं फिर नहा धो के नहा वहा कर ही आएंगे ना नाश्ता करने टाइम क्या होगा लेकिन साढ़े नौ है तब तक आ जाएंगे चाय पी के सो गाइस हम सब रेडी हो गए हैं बैठे हैं अभी धूप में संबत नाश्ता वगैरह कर लिया है और धूप में संबत ले रहे हो एक चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये जो लोग खिलाएंगे ना तो ही खा सकते हैं क्योंकि बाहर हम जा ही नहीं सकते यहाँ में कोई खा जाएगा 7-8 किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा ये लोग जब खिलाएंगे ना जब खिलने का मन करेगा तभी हम खा सकते हैं नहीं तो नहीं खा सकते तो हम ना अब इस एक बनने वाला तो हम सोच रहे हैं लंच करके सीधा तभी बाहर निकले फिर शाम को आएंगे घूम फिर के यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी बनने जाएंगे अभी फिर से रिवर क्रॉस करेंगे फिर एक बारी तो अभी गाइज हम बैठे पूल एरिया के पास आराम से रिलैक्स धूप सेक रहा मस्त गाइज अभी बनने वाले हैं 1:30-1:30 बजे के आसपास लगेगा लंच तो हम लंच करेंगे उसके बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं और लंच करके ही बाहर की तरफ निकलेंगे और शाम से पहले आना भी है गाइज यहाँ अंधेरे से पहले आना जरूरी है नहीं तो यहाँ पर निकलते हैं टाइगर नहीं तेंदुआ ज़्यादा आता है बाहर की तरफ बाघ भी कभी कभार आ जाते हैं और सुबह से खेल रहा है गाइस वो देखो वहाँ पर इधर छुपा हुआ है सुबह से बच्चों के साथ लगा हुआ है खेलने में तो गाइस अभी जा रहे हैं हम कैमल राइडिंग करने खाना वगैरह हो गया लंच सारा कर लिया हमने हमने लंच खा लिया सारी चीज खा ली क्या खाया हमने पालक पनीर दाल और क्या था आलू गोभी राइस और खीर हाँ खीर और सैलेड सैलेड और दही रायता और खीर सब खा लिया और अब हम जा रहे हैं कैमल राइड करने हमारा बच्चा पता ही नहीं कहाँ खेल रहा है बच्चों के साथ यहाँ पे उसे बहुत मजे आ रहे हैं कहाँ से जा रहे हो सो गाइस अब हम जा रहे हैं कैमल राइड करने हाँ चले चलो 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 पहले मैडम को बैठाओ जो आगे बैठे हाँ चलो ये पहले आगे सबसे यही बैठे चलो बेटा फिर मैं चलो ये कैमल राइड हो रही है तेरे में गिर जाए तो बस आगे बैठ जाओ चलो भैया आओ नाम पता नहीं भैया को बताओ नाम इसका है भूरा भूरा कुछ अच्छा ये काला है काला इसका नाम है काला कालू भूरा उधर है तो गाइस काफी ऊंचा है लेकिन ये वाला है ना ज्यादा ऊंचा है ना ये वाला मेरे को लग रहा पहली बार बैठा वाला है हां मैं कैमल लाइट करी गया मैं अच्छा नहीं मैं बैठी हूं कई बार मैं भी बैठा हूं हां हम चलते चलते हम नहीं चल रहे वो चल रहा है कालू चल काला चल रहा है काला चलते चलते पहुंच गए नदी के पास जो हमने कल क्रॉस की थी ना वही नदी है गाइस ये देखिए पानी पिएगा नहीं वापिस लेके जाएंगे बस नहीं पिएगा पानी कम पीता है बाबू ये
ये देखिए गाइस, ये मोड़ेंगे यहाँ से, वो देखिए वो पैदल, ओए मम्मी, ओए माँ, ओए ओए मोड़ लिया इन्होंने, टर्न करा दिया। यहाँ तक का पॉइंट था, अब ये वापस रिजॉर्ट ले गए। यहाँ से हमारा रिजॉर्ट करीबन 500 मीटर अंदर है गाइस, काफी अंदर है ये रिजॉर्ट, लेकिन अच्छे हैं यहाँ काफी सारे रिजॉर्ट। क्या हो रहा है हुँ? ये देखिए एकदम स्टेट पहले, अभी रुको वो, अब देखो अपने आप। गाइस मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा लाइट करी है। एक बार करी थी जब वहाँ गए थे, पुष्कर गए थे, कहाँ गए थे? हाँ वहाँ करी, वो तो वैसे थी, उसपे करी थी, वो गाड़ी वाली थी, वो ऊंट गाड़ी थी, ऊंट गाड़ी थी, वो ऊंट पे नहीं, ऊंट पे नहीं बैठे थे। मैंने करी है गाइस, मेरा व्लॉग भी देखा होगा आपने, सोमनाथ, सोमनाथ मैंने गुजरात में। सो गाइस मम्मी ऊपर है, पापा आ गए, लो। तो गाइस देखिए हम इस भूरे पे चल के आ गए, ये भूरा वो कालू, करके आ गए हम कैमल राइड। अब हम थोड़ा घूमने जाएंगे गाइस बाहर। सो गाइस अभी हमने कैमल राइड कर लिए हैं कालू के साथ, कालू के साथ, और अब हम जा रहे हैं। ओ जानवर दिख गया, जानवर दिख गया, जानवर दिख गया, गाय दिख गई गाइस, गाय। तो गाइस अब हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने फिरने, ऐसे ही मस्ती करने, थोड़ा सा ऐसे राउंड मार के आएंगे, वीडियो वगैरह बना लेंगे थोड़ी बहुत, बस हम निकलते हैं, आ जाएंगे यहाँ शाम से पहले ही आना होगा, मतलब अंधेरे से पहले आना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यहाँ लगता है डॉग। फिर से आ गए हैं नदी के पास, यहाँ आते हैं जानवर पानी पीने। कौन कौन आते हैं? जानवर, जानवर, शेर, चीते, बाघ, बाघ। इधर देखिए गाइस उन्होंने बीच में रख लिए थार, और ये हम आ गए हैं। हाँ ज्यादा है पानी, है भी ज्यादा है। सो गाइस देखिए मोर, दूसरे जानवर, मोर नहीं मोर, सॉरी। तो गाइस अभी हम रुके चाय पीने आए, देखो रिजॉर्ट छोड़ के यहाँ पे चाय पीने आए हैं। गाइस ऐसे ही सर्कल, गाइस ऐसे ही घूमते घूमते ना हम बाहर आ गए थोड़ा सा, और ये देखिए नैनीताल, हल्द्वानी 57 and 49। लेकिन हमें जाना नहीं है नैनीताल, हम कई बार जाके आ गए, आपने हमारा ब्लॉग भी देखा होगा, नहीं देखा तो देखिए जरूर। और बस अब चाय पियेंगे, थोड़ी देर ऐसे ही घूमते फिरते रिजॉर्ट वापस जाएंगे। सो गाइस अभी हम आ गए हैं नदी के पास वापस से, गाड़ी लगा दी है यहाँ, ठंड हो गई, लेकिन अभी हम भी यहाँ से वहाँ क्रॉस करेंगे दोबारा से गाइस। कोई अगर आ जाए मेरे को ले जाए तो मैं वीडियो बना पाऊंगी, नहीं तो फिर नहीं बना पाऊंगी, थोड़ी देर वेट करते हैं यहीं पर। तो थोड़ी देर हम इसलिए वेट कर रहे हैं यहीं पर, अगर कोई मिल गया तो मैं उधर जाके इनकी वीडियो बना लूंगी, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बैठ के जाना पड़ेगा आराम से। तो गाइस देखिए गाड़ी आ गई है, गाइस देखिए, और ये देखिए अब ये करेंगे क्रॉसिंग रिवर, बाहर निकालो हाथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाइस देखिए फाइनली मौका मिल गया, बाहर निकालो हाथ, गाइस
नहीं बुला रहा इस टाइम में। अपने रिजॉर्ट में डी फ्लोरेस्टा थोड़ी देर अच्छा लग रहा है मिट्टी अच्छा लगा ना ठीक है बढ़िया बढ़िया। सो गाइज अभी हम वो ड्राइव करके और वो सब करके तो आ ही गए हैं रिजॉर्ट में आ गए थे। मैंने कहा अभी क्या करना है बैठ के यहाँ पर क्योंकि 6 बजे करीबन टीवी है तो उससे पी वैसे भी हम पी आए और तो अभी हमने कहा चलो थोड़ा सा वॉक करते हैं बाहर। कल तो डर लग रहा था लेकिन आज हम एक दो बार निकल गए ना तो इतना डर नहीं है और मैंने लेकिन शाम को तो डर है गाइस यहाँ पे अंधेरे में और इसको देखो इसने लठ उठा लिया इससे शेर को भगाएगा अगर कोई आएगा तो मैं भगाऊंगा इससे। बोलियो बोल मैं भगाऊंगा। तभी यहाँ पे बता दो कोई पास में एक गांव सा है घूम के आ सकते हैं तो वहीं जा रहे हैं। दीदी है यहीं पास में जैसे वो ये गांव है क्या ऐसे ही है मतलब गांव मतलब ऐसे छोटे-छोटे दूर-दूर दिखेगा। चल रहे हैं अभी पैदल पैदल आगे जाते हैं थोड़ा सा ऐसे ही जस्ट वॉक कर रहे हैं नेचर वॉक। दिल्ली में तो कर नहीं पाते गाइस नेचर वॉक तो हम यही कर रहे हैं थोड़ी सी बस नेचर वॉक में नेचुरल थिंग्स वो वाली ना मिल जाए वैसे इस टाइम नहीं आएंगे वो क्या बोलते तो गाइस घूम तो घूमते घूमते हम आए थे तो हमें एक शॉप दिख गई है हैं तो अभी शॉप पे बैठ गए आग जल रही थी आग को देख के बैठ गए तो सोचा कुछ खा ही लेते हैं। अब खाने के लिए पूछा तो मीनू की फेवरेट मैगी मिली गई मैंने कहा हम भी चाय पी लेंगे फिर। तो गाइस मैगी आ गई है चाय आ गई है और मैगी आ गई है। इस ट्रिप पे मैगी नहीं खाई थी इसलिए मैगी खाई ली फाइनली। अभी जल रही आग यहाँ पे ना देखो गाइस कहाँ जा रहा है कर वो चला गया आ जा चाय सब हो गया है पेट भी भर गया है और अभी हम थोड़ा और आगे आ गए और आगे चलते हैं इस रास्ते पे जा तो रहे लेकिन हम नहीं आ जाएंगे अभी अंधेरे से पहले थोड़ी देर में ही आ जाएंगे ज्यादा दूर नहीं है हम होटल से 200-300 मीटर 500 मीटर तक होंगे बस और आगे भी काफी रिजॉर्ट है यहाँ बीच में आयरिश रिजॉर्ट है हमारा डी फ्लोरेस्टा है और अच्छा लग रहा है यहाँ वॉक करना क्योंकि दिल्ली में आपको पता है दिल्ली में तो ऐसे ही ना पहली बार तो टाइम ही नहीं होता वॉकिंग वगैरह का तो यहाँ नॉर्मल वॉक करना भी अच्छा ही लग रहा है। और यहाँ पे सांस अंदर तक आ रही है हाँ बाबू चलो ये देखो ये पता नहीं क्या बोलते हैं ये कुछ तो है ये जो बो रखा है ना गाड़ी भी आगे सामने से एक